किया सोनेट का फेसलिफ्ट आप ये देख रहे हो और जो आप इसका वेरिएंट देख रहे हो ये इसका HTK वेरिएंट है। इससे नीचे में आता है कि एक HTE वेरिएंट, वो गुड़गांव हरियाणा में कॉस्ट करता है 9,13,000 रुपये और जो इसका HTK वेरिएंट है 10,00,000 रुपये कॉस्ट करता है। तो आप इनके अंदर में प्राइस डिफरेंस देखोगे तो 90,000 रुपये का यहाँ पर पड़ता है। अब इस 90,000 रुपये में क्या चीज़ जो है आप लोग को एक्स्ट्रा मिल जाती है वो आज की वीडियो में बताऊँगा, और अब बताऊँगा कि इस HTK वेरिएंट में आप लोग कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, कैसा कम्फर्ट जो है यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप किया कि कोई भी जल्द से जल्द और अच्छे रेट पे लेना चाहते हैं तो डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। जैसे आप इस वेरिएंट की देखोगे ना तो ये लगेगी आपको ऐसी कि मतलब स्मार्ट की है, कीलेस वाली, बट ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या है, लॉक अनलॉक और इसके टेलगेट को ओपन करने के लिए स्विच मिलता है, और जो दूसरी की है वो भी यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग वाली मिल जाती है। पर ये यहाँ पे क्या है, फोल्डेबल की जो है गाड़ी के अंदर में मिलती है। जैसे ही मैं गाड़ी को लॉक करूँगा तो कोई आरविम्स वगैरह फोल्ड नहीं होते हैं, और अनलॉक करने पर भी कोई भी चीज़ नहीं होती है और आवाज़ जो है ये गाड़ी नहीं करती है। इस गाड़ी के अंदर में जो हेडलाइट मिलती है वो आप लोग को हेलोजन बल्ब के साथ मिलती है, और यहाँ पे कोई DRLs जो हैं आप लोग को इसके अंदर में नहीं मिलते हैं, और जो गाड़ी की फॉग लाइट है वो भी हेलोजन बल्ब के साथ मिलती है। फ्रंट में आप लोग को पार्किंग सेंसर भी गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं, फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं, सिल्वर फिनिश वगैरह का यूज मिल जाता है। अब इससे ऊपर में जो वेरिएंट आता है ना HTK प्लस, वहाँ पे क्या है, ये जो आप इसकी रेडिएटर ग्रिल देख रहे हो ये आप लोग को पियानो ब्लैक फिनिश की मिलती है, बट इस वाले वेरिएंट के अंदर में ये सिंपल ही यहाँ पे आती है। अगर आप इसका बेस वेरिएंट देखना चाहते हो या फिर इसके और वेरिएंट्स देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में गाड़ी के अंदर में आप लोग कोई भी दिक्कतें यहाँ पे नहीं आने वाली है, और जो गाड़ी के ORVMs हैं ये सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, ये फोल्ड एंड अनफोल्ड आप लोग को मैनुअली ही करने पड़ेंगे। डोर हैंडल पे कोई आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी नहीं मिलेगा गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए, और इंडिकेटर क्या है या साइड फेंडर पे ही आप लोग को मिलता है। जैसे आप इसकी ये देखोगे ना, ये आपको लगेंगे अलॉय व्हील्स जैसे, बट ये यहाँ पे स्टाइल रिम ही मिलते हैं, और अपोलो के टायर्स यहाँ पे आ जाते हैं, 215/60 R16 इंच का यहाँ पे टायर सेक्शन मिलता है। वो देखो वहाँ पे क्या है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं और यहाँ पे क्या है, स्टाइल रिम है, तो देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर से ही दोनों ये लगते हैं। तो मतलब इस चीज़ में भी कोई दिक्कत गाड़ी के अंदर में नहीं आएगी। विंडो के नीचे कोई क्रोम लाइन भी आप लोग को नहीं मिलेगी, और रूफ रेल्स यहाँ पे मिल जाती है प्लास्टिक की, बट सनरूफ वगैरह इस वाले वेरिएंट के अंदर में नहीं आती है। शार्क फिन का एंटीना भी जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाता है। पीछे की तरफ में कोई डिफोगर वाइपर नहीं मिलेगा, ना ही स्पॉइलर आएगा, सिर्फ हाई माउंट स्टॉप लैंप ही जो है इस वाले वेरिएंट के अंदर में मिलता है, और जो गाड़ी की टेल लैंप है वो यहाँ पे पूरी कनेक्टिंग वाली ही आप लोग को मिल जाती है। पीछे पार्किंग सेंसर भी आप लोग को मिल जाता है, और जो कैमरा है वो भी गाड़ी के अंदर में आ जाता है। टेल गेट को ओपन करने के लिए यहीं पे ही मैग्नेटिक स्विच है, और बेस वेरिएंट के अंदर में भी क्या है, गाड़ी में मैग्नेटिक स्विच आप लोगों को मिल जाता है। एक बार अनलॉक करते हैं और फिर खोलते हैं इसकी टेल गेट। 392 लीटर का गाड़ी के अंदर में बूट स्पेस मिल जाता है, और जो गाड़ी की सेकंड रो की सीट है वो आप लोग को बेंच टाइप मिलती है, बट यहाँ पे कोई पार्शियल ट्रे आप लोग को नहीं मिलेगी, और जो स्पेयर व्हील है वो भाई दो सेक्शन कहाँ गए भाई इसका, 195/65 R15 इंच का मिलता है, यानी कि सेक्शन जो है वो आप लोग को इसके अंदर में छोटा मिलता है। इस वाले वेरिएंट के अंदर में कोई आप लोग को बूट लैंप भी नहीं मिलता है, और जो ये गाड़ी है ना 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आती है। बेसिक से आप इसका डीजल इंजन लो चाहे पेट्रोल इंजन लो, और जो इसकी फ्यूल लिड है वो ऐसे बाहर से दबाने से ओपन नहीं होती है। अब ना इसके इंटीरियर से दिखाता हूँ कि आप लोग को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट जो है आप लोग को इस वाले वेरिएंट के अंदर मिल जाती है, और सेमी लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है, यानी कि आगे की तरफ में गाड़ी में फैब्रिक दिया हुआ है, और पीछे की तरफ में जैसे आप इसका पार्ट देखोगे ना ये लेदर अपहोल्स्ट्री वाला मिलता है। सेकंड बेस वेरिएंट में क्या है, आप लोग को एयरबैग साइड में भी मिल जाते हैं। यहाँ पे चारों पावर विंडो के जो है स्विचेज मिल जाएंगे, और प्लास्टिक के ही डोर हैंडल्स हैं। स्पीकर्स भी जो है आप लोग को इस वाले वेरिएंट के अंदर मिल जाता है, और जो डैड पैडल है वो भी आप लोग को इस वाले वेरिएंट के अंदर में मिल जाता है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए भाई कोई बटन नहीं मिलता है, जैसे कि स्टार्ट स्टॉप कहते हैं, ये सिंपल ही जो है आप लोग को इस गाड़ी के अंदर में मिलता है। और जो इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है ये आप लोग को कोई लेदर रैप वगैरह नहीं मिलता है, फ्लैट बॉटम भी जो है इसके अंदर में नहीं आता है, और सिर्फ टिल्ट ही एडजस्टमेंट आती है, टेलीस्कोपिक इसके अंदर में नहीं आती है। हॉर्न वही पोपो वाले यहाँ पे मिलते हैं, म्यूजिक सिस्टम के यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएंगे, इस साइड में इसके MID कंट्रोल्स हैं, ऑटो हेडलैम्प भी गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं, बट ऑटो वाइपर जो है गाड़ी के अंदर में नहीं आते हैं। टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। जो गाड़ी का टैकोमीटर है यहाँ पे एनालॉग के अंदर दिया गया, और स्पीडोमीटर यहाँ पे डिजिटली मिलता है, और इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ भाई इसके अंदर में कौन कौन सी शो करता है। ये आपकी ड्राइव इन्फॉर्मेशन है, सीनस रिफ्यूलिंग है,
एक्युमुलेटेड इन्फॉर्मेशन है बस। और इस साइड में TPMS भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाता है। ये TPMS वाली जो चीज़ है ना, मेरे को एक नंबर लगती है। मतलब ये वाली चीज़ मिल जाए तो मेरे को ऐसा लगता है हाँ भाई सारी चीज़ जो है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल गई है। बाकी तो नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है गाड़ी के अंदर में। टच स्क्रीन डिस्प्ले भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है। और ये देखो आप इसके बैक कैमरा की क्लैरिटी, अडेप्टिव वाइड लेंस जो है इसके अंदर में आ जाती है, एक नंबर की कैमरा क्लैरिटी मिलती है। और जिससे जो इसका म्यूजिक सिस्टम है ना, ये वाइड वाइड आप ये मत सोच रहे कि इसके टच स्क्रीन में आप लोग को मिलेगा, ये सिर्फ पन्नी चढ़ी हुई है, आसानी से आप लोग की उतर भी जाएगी। मैनुअल गाड़ी के अंदर में AC मिलता है, एक USB म्यूजिक सिस्टम वाली, एक सी टाइप फास्ट चार्जिंग के लिए, और एक आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। और वायरलेस चार्जिंग वगैरह गाड़ी के अंदर में नहीं आती है। गियर नॉब देखने में बिल्कुल सिंपल ही आप लोगों को मिलेगा, 5-speed का गियर बॉक्स है। अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाएगा IMT ट्रांसमिशन के साथ में, और आप लोग को 6-speed गियर बॉक्स आएगा, और एक आएगा इसका 1.2 लीटर का इंजन, ये भी 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन ही इस गाड़ी के अंदर में आएगा। दो ग्लास होल्डर मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट भी आ जाता है, स्पेसिंग बिल्कुल बढ़िया है, IRBM मैनुअल है, सनग्लास होल्डर यहाँ पे मिल जाएगा, हैलोजन बल्ब के साथ गाड़ी में रीडिंग लैंप्स भी आप लोग को मिल जाते हैं, पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर है, और ड्राइवर साइड सनवाइजर में गाड़ी में टिकट होल्डर मिल जाता है। विजिबिलिटी वाइज बात करें तो सीट को अगर पूरा ऊपर कर लेता हूँ पहले, हो जाओ भाई भाई सीट जैसे पूरी ऊपर होती है ना इसकी, तो क्या है डैशबोर्ड से ऊपर वाली पोजीशन आ जाती है, बोनेट बिल्कुल दिखता है, गाड़ी को ड्राइव करने में एक नंबर का मजा आएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएंगी। फिट एंड फिनिश जो है गाड़ी के अंदर बिल्कुल बढ़िया सी मिल जाती है। शुरुआत में तो जो इसकी टच स्क्रीन है और जो इसका IRBM है, ये हाँ थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, पर बाद में ही है एडजस्ट होने के बाद कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएंगी। सीटों की चौड़ाई बिल्कुल बढ़िया है, बकेट फिटिंग बिल्कुल बढ़िया मिल जाती है, और जो लेग रूम है ये वाला, ये भी गाड़ी के अंदर में बिल्कुल बढ़िया से मिल जाता है। अब जो ड्राइवर वाली सीट है मैंने 6 फुट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है, उसके बावजूद गाड़ी की सेकंड रो में दिखाता हूँ कैसा कम्फर्ट मिलता है। कर्टेन्स यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे, पावर विंडो का स्विच है, और पीछे भी गाड़ी के अंदर में स्पीकर मिल जाएगा। फर्स्ट रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सेकंड रो में गाड़ी में फिक्स ही हेडरेस्ट मिलेगा, बीच वाले के लिए 3-point सीट बेल्ट है, बट यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट जो है गाड़ी के अंदर में नहीं आएगा। और जैसे आप इस गाड़ी के अंदर में नी रूम देखोगे, 6 फुट से ज़्यादा पीछे हो रखे उसके बावजूद नी रूम यूँ है, ठीक है। लेग रूम भी आपको गाड़ी के अंदर में बढ़िया सा मिल जाएगा। लेग रूम तो भाई एक नंबर का है, जो स्पेस है ना सीट के और जो फ्लोर है उसके बीच में, वो बिल्कुल बढ़िया सा मिलता है। पीछे की तरफ में एयर के वेंट मिल जाते हैं, और दो सी टाइप के लिए सॉकेट भी गाड़ी के अंदर में आ जाएगा। पीछे से कुछ ऐसे लगता है इस HTK वेरियंट का इंटीरियर्स देखने में। जो ये गाड़ी है ना, इसके अंदर में लगा हुआ है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि 83 PS पावर निकालता है, और 115 Nm का टॉर्क जो है ये इंजन आप लोग को निकाल के देता है। अगर आप इस गाड़ी को बिल्कुल प्यार चलाओगे तो हाईवेज पे आपको अच्छी खासी माइलेज निकाल के दे देगा। तो मैंने ना क्या है इसके इस गाड़ी के सारे वेरियंट्स की वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, अगर आप कोई भी वेरियंट्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। 15-16 की माइलेज तो यूँ है, आप इस गाड़ी से बिल्कुल आसानी से ले सकते हो। बाकी डीजल इंजन में लोगे ना तो इस गाड़ी से क्या है और भी अच्छी माइलेज आप लोग को ये निकाल के देगा। तो गाइस ठीक है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।